हेलो मेरे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण पाठ दूसरा, वर्णमाला और मात्राएं। नीचे दिए गए चित्रों को देखिए और इनके नाम लिखने, पिक्चर दी गई यहाँ पे इनके नाम लिखने से, चिड़िया, कौवा, घोड़ा, कबूतर, बर्तन, ट्रक, टेलीफोन और घड़ी। आगे इसमें शब्द लिखने हैं, इसमें वर्ण लिखने हैं। आगे हैं वर्ण। बच्चों आपने देखा है कि शब्द बोलते समय हमारे मुँह से कुछ ध्वनियाँ निकलती हैं, जब इन ध्वनियों को लिखा जाता है ये तो ये क्या कहलाती है, वर्ण। वर्ण को तो अक्षरों में, वर्ण को अक्षर भी कहते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते। कलम, क ए ल ए म ए कलम। फोन, फ ओ न ए फोन। कार, क आ र ए कार। अनार, ए ने आ र अनार। जैसे सवर, वर्ण के प्रकार, वर्णों को सही क्रम को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण के दो प्रकार होते हैं, सवर और व्यंजन। सवर, जो वर्ण किसी अन्य वर्ण की मदद के बिना बोले जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, हम सवर कहते हैं। हिंदी भाषा में कुल 11 तो सवर होते हैं, 11 हमारे सवर होते हैं। ए आ ई ई ओ ओ री ए ए ओ औ। व्यंजन, जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। हिंदी भाषा में 33 मुख्य व्यंजन और 2 अतिरिक्त व्यंजन द और फ होते हैं। हमारे व्यंजन है। आगे संयुक्त व्यंजन, क्षत्र, क्षत्र, गय और श्र में संयुक्त व्यंजन होते हैं, जो 2 व्यंजनों से मिलकर बनते हैं। जैसे कृषक, कृषक, रक्षक, त्रित्र, मित्र, ज्ञानी, श्रम। ये हमारी सभी मात्राएं, सवर मात्राएं और व्यंजन मात्रा, ए आ ई ई ओ री ए, ये हमारी मात्रा। आ की मात्रा छोटी, की मात्रा बड़ी, की मात्रा छोटे हो की, बड़े हो की, री की मात्रा और ए की मात्रा, ये हमारे व्यंजन और मात्रा है। ये हमारे शब्द है, जल, दाम, मिर्च, लीची, खुबानी और जूस, मृग, जेला। ये हमारे स्वर में ए औ औ, ये मात्रा हमारी ए की मात्रा, ओ की मात्रा और औ की मात्रा। ये व्यंजन और मात्रा शब्द है हमारे, सैनिक, टोकरी और नौका।